विंडिवेशन क्या होता है? विंडिवेशन किसी को कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? मीन जो अपन 11 12 में पढ़ के आ चुके हैं, एक्स बार कैसे निकालते हैं सबको पता है, मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीन डिविएशन में दो श्रेणी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट कौन सी होती है? व्यक्तिगत। और सेकंड इंग्लिश में डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट कहते हैं। पहले इंडिविजुअल, सेकंड डिस्क्रीट, ठीक है। तो अपने को मेन डिविजन में कितने मेथड पढ़नी है? दो, ठीक है। दो के अंदर भी, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर भी अपने को दो मेथड पढ़नी है। पहली होगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और सेकंड होगी लघु रीति। लघु रीति, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में कितनी चीजें पढ़ेंगे अपन? दो। इसी प्रकार से खंडित श्रेणी में भी अपने को दो चीजें क्लियर करनी है। कंप्लीट यहाँ तक? किसी को कुछ प्रॉब्लम? खंडित श्रेणी में दोनों नाम क्या इंग्लिश में? मीन डिविएशन में दो मेथड पढ़ेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी खंडित श्रेणी। इसके अंदर वापस दो मेथड होंगे, प्रत्यक्ष और लघु, शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड। इसमें भी खंडित श्रेणी में भी अपने को दो मेथड पढ़नी है वापस, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। तो आज सबसे पहले अपन चालू करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डाल दो कॉपी में एग्जांपल नंबर डायरेक्ट और शॉर्टकट 7। डायरेक्ट और एग्जांपल नंबर 7। डिविएशन की सहायता से माध्य बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो तीनों मेथड के फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। और अगर एक ही पूछे कि मेन डिविजन की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो एस एक्स बार इक्वल जो भी सूत्र होगा, मतलब फॉर्मूले सबके सेम ही होंगे, लेकिन आगे की जो इक्वल की इधर की जो चीज होगी हर बार चेंज हो जाएगी। अगर माध्य पूछता है, मेन पूछता है, तो एस एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। और अगर मीडियन पूछता है तो इसकी जगह एम लग जाएगा, और मोड पूछता है तो जेड लग जाएगा, ठीक है। उलझना मत, तीनों चीजों के फॉर्मूले यहाँ पर सेम ही रहेंगे, लेकिन ये जो चीज होगी वो चेंज हो जाएगी।